मैं माय चैनल प्राची रेखा, तो मैं योग गुरु से मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। ये है रीता दास मैम, इन्हीं से मैंने योगा ट्रेनिंग लिया है। ये मेरी रीता दास मैम योगा ट्रेनिंग कराती हैं। सबसे पहले मैं इनको प्रणाम कर रही हूँ। मैम बताइए आप। मैं रीता दास पतंजलि योगपीठ से दीक्षा ग्रहण की हूँ बाबा रामदेव जी के साथ, और उसका क्लास करने के बाद मैं बहुत लोगों को योगाभ्यास प्राणायाम आदि सिखलाकर स्वस्थ कर चुकी हूँ। मैं लगभग 5-6 साल इसके पूरी चिल्ड्रेन पार्क में सेवा दी हूँ। 2 साल से कोरोना के वजह से मैं इसे ऑनलाइन क्लास अब करवा रही हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत से साधक इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं नियमित 6:30 से 7:30 तक योगाभ्यास करवाती हूँ। इसमें सबसे पहले मैं मंत्रों की जप करती हूँ। सबसे पहले 3 बार पवित्र ओम मंत्र की जप, लंबी गहरी श्वास के साथ। जप के साथ अब गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मूर्छयं मामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदुषावहै। मंत्र जप के द्वारा हम अपने मन की शुद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, और ही साथ ही साथ पूरे वातावरण को में रक्षा कवच का निर्माण करने के बाद प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले हम ब्रष्टि का प्राणायाम करते हैं। इसमें दोनों नासिका से बलपूर्वक श्वास पूरा भरते हैं, पूरा डीप ब्रीदिंग, नासिका से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, लंबी गहरी श्वास। श्वास लेने की गति जितनी देर में हम श्वास भरते हैं, यदि
ढाई से तीन सेकंड में भरते हैं तो उतनी ही देर में हम उसे बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हैं। दिव्य ओज, दिव्य उत्साह, दिव्य गुण, दिव्य सौंदर्य, दिव्य आनंद, दिव्य सुख जो ईश्वर द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, प्राण वायु शक्ति के साथ हम अपने अंदर उसे समाहित करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम में हम फेफड़े में श्वास भरते हैं और फेफड़े से ही बाहर निकाल देते हैं। पेट में किसी तरह की कोई प्रसारण संकुचन नहीं। जब श्वास भरते हैं तो हमारा डायफ्राम पूरा भर जाता है और जैसे ही श्वास बाहर करते हैं तो ये अंदर धंसकर अंदर की ओर चला जाता है। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट नियमित अभ्यास से अपने अंदर असाध्य शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हैं और असाध्य से असाध्य बीमारी को दूर करने के लिए अपने अंदर शक्ति को बटोर लेते हैं। 5 मिनट के निरंतर अभ्यास से हम सर्दी, खांसी, साइनस, एलर्जी, श्वसन संबंधी सभी रोग को तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे फेफड़े मजबूत होती है, मस्तिष्क और हृदय को आरोग्यता प्रदान करती है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हम अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने का अभ्यास करते हैं। दूसरी प्राणायाम हमारा होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम सिर्फ पेट की प्रसारण संकुचन करते हैं, दोनों नासिका से बलपूर्वक श्वास को बाहर निकालते हैं। एक सेकेंड में एक बार इसकी अवधि है, एक सेकेंड में एक बार। हम यदि जल्दीबाजी करने का कोशिश करते हैं तो बीपी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए मध्यम गति और मध्यम शक्ति को लगाते हुए हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमें डायबिटीज जैसे महारोग को तो हम दूर भगा ही देते हैं, साथ ही साथ मोटापा, माइग्रेन, डिप्रेशन, अर्थराइटिस, गठिया, लीवर संबंधी प्रॉब्लम, यदि पैनक्रियाज में किसी तरह की प्रॉब्लम है या हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, उन सभी को दूर भगाते हैं हम कपालभाति के नियमित अभ्यास से। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट हम एक करते हैं। उसके बाद हम अपने अंदर पूरी शक्ति को अपने अंदर समाहित करते हुए 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने के बाद हम तुरंत अग्निसार करते हैं। इसमें बाह्य प्राणायाम भी होता है, लेकिन बाह्य प्राणायाम जो है वो उच्च रक्तचाप में, यदि हृदय संबंधी बीमारी हो तो बाह्य प्राणायाम को हम नहीं करते हैं, इसके लिए हम अग्निसार करते हैं। इसका पूरक अग्निसार है, पूरा भरते हैं और पूरा बाहर निकाल देते हैं। पेट की प्रसारण संकुचन, बड़ी आंत छोटी आंत की आपस में घर्षण, ध्यान रहे कि कपालभाति प्राणायाम करने में यदि आप हृदय रोग है या उच्च रक्तचाप है, प्रेग्नेंट लेडी हो, पीरियड के समय माताएं बहनें कपालभाति प्राणायाम या अग्निसार बाह्य प्राणायाम नहीं करती हैं, बाकी सभी स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। अब हम तीसरा प्राणायाम जो करेंगे वो हमारा होगा उज्जायी प्राणायाम।
थायराइड पाराथायराइड टॉन्सिल संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए कंठ को सिकोड़ते हुए वायु को ग्रहण करते हैं। कुछ सेकेंड वायु को जब भर लेते हैं, भरने के बाद कुछ सेकेंड हम उसे अंदर ही रोक लेते हैं, ठुड्डी को छाती से लगा कर रखते हैं और जब श्वास लेने की इच्छा होती है तो हम गर्दन को ऊपर करके दाएं नासिका को बंद करके बाएं से बाहर कर लेते हैं। उज्जायी प्राणायाम की विधि है। इस प्राणायाम से हमें टॉन्सिल संबंधी बीमारी से दूर होती है। खर्राटे भी जिन्हें रात्रि में आती है, नियमित अभ्यास से खर्राटे की आदत छूट जाती है, साथ ही साथ गले भी सुरीली हो जाती है, कंठ जो है वो हमारा कंठ की ओर हो जाता है। अब चौथा प्राणायाम हमारा होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये सभी व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि हाई बीपी हो, लो बीपी हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, वहाँ पीरियड्स की अवस्था में हो, रोग ग्रस्त हो, बैठ कर जो नहीं कर सकते हैं वो इसे लेट कर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम लेटें तो हमारे सिर के नीचे तकिया नहीं हो, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, कमर, गर्दन, छाती ये सीधी हो। शुरू करते हैं हम दाई नासिका को बंद करते हैं, ग्रहण करते हैं बाई नासिका से। सबसे पहले हम बाएं से इसे पूरा भर लेते हैं डायफ्राम में। जब ही भर लेते हैं तो बाएं को बंद करके दाएं से इसे बाहर कर देते हैं। अल्टरनेट ब्रीथिंग, दाएं जब बाएं से शुरू करते हैं और बाएं से ही इसे हम समाप्त करते हैं। ध्यान रहे कि हमारी कमर गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, मन सहज हो और श्वासों की माला के साथ हम इसे ओम मंत्र की जप करते हैं। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। इस प्राणायाम से हमें माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारी तो दूर होती है। यदि हृदय में अवरोध हो, ब्लॉकेज हो तो वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ हिस्टीरिया जैसी बीमारी को भी ये दूर कर देती है, हमारी मेमोरी को बढ़ा देती है। गठिया, अर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, मस्कुलर पेन आदि सभी से निदान मिलती है। नियमित अभ्यास, एक स्वस्थ व्यक्ति 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अब प्राणायाम, चार प्राणायाम के बाद हम तीन ध्यानात्मक प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। कान के ढक्कन को बंद कर देते हैं, तर्जनी उंगली ललाट पर रखते हैं, 5 बार भ्रमर की गुंजन लंबी गहरी श्वास के साथ। Mm-hmm.
पवित्र ओम मंत्र की जप 5 बार दोनों हथेली को घुटने पर ध्यान मुद्रा में लंबी गहरी श्वास श्वास भरते हैं। हृदय से नाभि से होते हुए हृदय को स्पर्श करते हुए हमारे कंठ के द्वारा विशुद्ध चक्र को स्पर्श करते हुए वो बाहर की ओर निकलती है। जाते हैं अपने ही श्वासों का स्वयं दृष्टा बनते हुए, यानी बंद आंखों द्वारा आते जाते श्वासों को देखते हैं, साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर से आराधना निवेदन कि प्रभु हम सभी साधकों में अग्नि जैसी तेज, वायु जैसी वेग, जल जैसी शीतलता, सहत जैसी माधुर्यता, आकाश जैसी विराटता और धरती जैसी धैर्यता प्रदान करो प्रभु। प्रभु हम सभी साधकों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखूं, हम सभी साधकों पर अमृत की वर्षा करते रहूं, हम सभी साधक उस अमृत वर्षा से ओतप्रोत होते हुए सदा आपके शरण में का स्पर्श करते रहें। इसके साथ ही हम इसे समाप्त करते हैं और शांति पाठ समाप्ति के बाद हम शांति पाठ ओम धो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांति शांति। इसी के साथ सभी साधकों को धन्यवाद साधुवाद। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। ध्यान रहे प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद हम लोग जल या अन्न कुछ भी ग्रहण करते हैं, आधा घंटा तक स्नान भी नहीं करते हैं। इसके बाद ही हम लोग कुछ भी स्नान जल अन्न जल कुछ भी ग्रहण करते हैं आधा घंटा के बाद। धन्यवाद।